नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो नाश्ता बनाने जा रही हूँ आप लोगों के साथ ना, एकदम अलग टेस्ट का होगा और बनाना भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आसान है, मेहनत ना के बराबर इसमें लगेगा, टाइम की काफ़ी बचत होगी। ये बनेगा आलू से, कच्चे आलू से। अब वो किस तरह से बनेगा वो आगे आप देखेंगे। और बताऊँ ना, बच्चे इसको छोड़ेंगे ही नहीं, खाते ही जाएंगे, खाते ही जाएंगे। और जिसको आलू बहुत पसंद है ना, पूछो ही मत, जैसे कि मैं, मेरा बहुत पसंदीदा ये रेसिपी है। आज सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूं, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे हमें ले लेना है पटैटो। यहाँ 3 पटैटो मैंने ले लिया है। आलू इसको हम पील कर लेंगे, इसका स्किन निकाल लेंगे। यहाँ पे छील करके इसको वॉश कर लिया है। अब इसको हमें कैसे काटना है, आप स्लाइसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाइफ़ से भी काट सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, स्लाइस जो है थोड़ा सा थिक होना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो स्लाइसर अगर मैं एडजस्टेबल हो तो आप एडजस्ट करके थोड़ा सा मोटा कर लेंगे इसको। मैं यहाँ पर देखो, मैं ये देखो, इतना थिक थिक इसका स्लाइस निकल रहा है, एकदम जैसे चिप्स होता है ना उस तरह का। तो हमें इसके लिए इतना पतला स्लाइस आप यूज़ कर सकते हो, इतना पतला स्लाइस भी, लेकिन क्या है ना कि जो थोड़ा सा थिक रहता है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरे स्लाइसर में ये एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको नाइफ़ से काटेंगे और नाइफ़ से भी ईज़िली ये कट जाता है। तो ये देखो, कुछ इतना मोटा मोटा हम इसके स्लाइस निकाल करके पूरा रेडी कर लेंगे। ये देखो, पूरा काट करके रेडी कर लिया है। देखो, ध्यान से देखो मैंने कितना मोटा इसको काटा है। इसको एक बड़े से बाउल में रख लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हमें फ्लेवर देना है, तो स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। यहाँ पे नमक डाल दिया और यहाँ पे हम डाल देंगे अराउंड 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और फिर यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे 1/4 टीस्पून हम चाट मसाला का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो, चाट मसाला नहीं डालोगे तो भी बहुत टेस्टी ये बनता है, डाल दोगे तो और टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। चाट मसाला ना हो तो आप डाल देना इसमें अमचूर पाउडर, या तो 1 टीस्पून नींबू का रस इसमें स्क्वीज़ कर देना। ये डालने के बाद हमने यहाँ पे लिया है कॉर्न स्टार्च, इसको हम डाल देंगे, थोड़ी सी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। कॉर्न स्टार्च ना हो ना आपके पास, 2 टेबलस्पून एकदम भर के डाल दिया है मैंने, अगर मैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और हम डाल लेंगे। अब इसको हम हाथ से बढ़िया मिक्स कर देंगे। कॉर्न स्टार्च ना हो ना आपके पास तो आप चावल का आटा ले सकते हो, या तो मैदा ले सकते हो इस जगह पे, जो भी हो आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो बढ़िया इस तरह से हमें मिला देना है। इसमें काफ़ी ड्राई ड्राई हो गया है ना, इसमें 1 टीस्पून जितना पानी डाल देंगे तो अच्छे से पूरा हम इसमें लपेट पाएंगे आलू में। 1 टीस्पून पानी डाला ना, देखो सारा जो इसमें कॉर्न स्टार्च सारा मसाला जो डाला था ना हमने, सब एकदम बढ़िया आलू में लिपट गया है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है। इसी तरह से हमें लपेट लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें कॉर्न स्टार्च या जिस चीज़ का भी इस्तेमाल करें बहुत ज़्यादा ना डाल दें, थोड़ा सा बाइंडिंग अच्छी हो जाती है थोड़ा सा डालने से, और प्लस थोड़ा सा क्रंचीनेस इसमें आता है। ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हमें रखना नहीं है, तुरंत हमें इसको बनाना शुरू कर देना है। यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक का पैन रख दिया है, आप नॉनस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एल्युमिनियम का कढ़ाई वगैरह भी ले सकते हैं। आपको ध्यान इस चीज़ पे देना है, आँच ना ज़्यादा मत करना इसको पकाने में, और कढ़ाई वगैरह में भी पका सकते हो आप। यहाँ पे अराउंड 1 टेबलस्पून मैंने तेल डाल दिया है, और इसी के साथ ही हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही डाल देंगे बटर। बटर आप पसंद करते हैं, आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, इसमें ना बटर का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। नहीं पसंद करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। बटर देखो बढ़िया मेल्ट हो गया है, फ्लेम को मैंने एकदम स्लो पे कर दिया है। अब हम एक एक ना ये स्लाइस आलू का जो है इस तरह से फैलाएँगे। पहले बीच से नहीं शुरू करना है, पहले हम साइड से शुरू कर लेते हैं इस तरह से।
इसको एकदम मध्यम आंच पे हमें पकाना है, इस चीज़ पे ध्यान देना। ये देखो ऐसे ही इसका लेयर बनाते जाना है। जितने पीसेस हैं ना ऐसे ही हमें पूरा लगा देना है। यहाँ पे देखो पूरा असेंबल कर लिया है ना। अब इसमें हमें कुछ करना नहीं है, इसको हमें ना एकदम जो जिस ढक्कन से हम इसको कवर करेंगे ना प्रॉपर ये फिट होना चाहिए। कवर कर दिया है, अब इसको जल्दी हम टच नहीं करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे कुक होने देते हैं एक साइड। जब नीचे की सतह थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ना, बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, तब इसको हम पलटेंगे दूसरे साइड। इसको पकाते हुए हमें 6 मिनट हो गया है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये नीचे से एकदम छोड़ दिया है और थोड़ा सा ना स्पैचुला डाल के आप ऐसे मूव कर सकते हैं। देखो एकदम अच्छे से ये छोड़ दिया है बॉटम। अब इसको हमें पलटना है, पलटने के लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी है, ठीक है। इसमें लापरवाही मत करना बिल्कुल भी। मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है, पहले मैं फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ ताकि मैं जलूँ ना। अब इसके ऊपर से ना हम प्लेट को इस तरह से कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसको हम सीधा इस तरह से कर लेंगे। ये पैन को फिर से रख दिया हमने और गैस को ऑन कर देंगे, मीडियम लो पे कर देंगे। ये देखो कितना अच्छे से ये कुक हुआ है ना। अब इसको हम पैन में फिर से डालेंगे, दूसरे साइड हमें सेकना है। इस तरह से क्या होगा ना, हम बिल्कुल भी जलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। और देखो सारा पीसेस जो है एकदम अच्छे से जगह पे फिर से हमने प्लेस कर दिया है। अब इसमें चाहे तो और बटर आप डाल सकते हो, और नहीं भी डालोगे तो भी इतने बटर में एकदम अच्छे से हो जाएगा। अब दूसरे साइड भी हमें 6 मिनट तक एकदम बढ़िया मीडियम लो फ्लेम पे पका लेना है कवर करके। दूसरे साइड भी ये हो गया है। और इसको अगर मैं आपको डाउट होना कि पका है कि नहीं पका है, टूथपिक लो सेंटर में डाल के देखो, एकदम आराम से ये चला जा रहा है, बढ़िया कुक हो गया है चारों तरफ से। अब इसी तरह से हम ना जैसे पहले पलटा था ना वैसे हम पलट लेंगे, फ्लेम बंद कर देंगे। ये हो गया है और पलटने में ना या तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ये देखो कितनी आसानी से एकदम पूरा आ गया, ये देखो। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 3 पटैटो में 3 आलू में कितना बढ़िया नाश्ता बन करके रेडी हो गया है। ये ना एक आदमी पूरा आराम से खा सकता है जिसको आलू बहुत पसंद होगा। और इसमें जो बटर डाला है, जो 2-3 चीज़ें ही डाला है ना फ्लेवर के लिए, सब एकदम उभर उभर के आ रहा है। गर्मा गर्म इसको आप बना करके, इसके साथ चटनी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही खाएंगे। इवन इसको व्रत में भी आप खा सकते हैं, अगर इसमें चाट मसाला और कॉर्नस्टार्च ना डालें तो। इस तरह से बना के आप अपने उपवास में भी खा सकते हैं। देखो कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बन करके रेडी हो गया है। अब इसको ना एक ही जगह आपको ध्यान देना है, जब हम पलटते हैं ना तो वहाँ पे आप पूरा एकदम ध्यान दे के इत्मीनान से पलटना, जल्दबाजी ना करना। और आप लोगों को भी देख के मुँह में पानी आया होगा ना, तो जाके बना कर तुरंत खाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, जो नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।